जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण की लीलाओं में से सबसे बड़ी लीला है गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाना। क्या कभी आपने सोचा है जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठाया था उसकी उत्पत्ति कैसी हुई थी? गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के दूसरे अध्याय में इस घटना का उल्लेख है। यह बात तब की है जब राधा कृष्ण गोलोक में विराजमान थे, तब देवी राधा श्री कृष्ण के वियोग से भयभीत थी। श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा, प्रिय तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, तुमने मेरे साथ भूलोक में रहोगी तो क्यों भयभीत हो रही हो? तब देवी राधा बोली, प्राणनाथ जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यह यमुना नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। श्री राधा की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपने गोलोक धाम से 84 कोस भूमि गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूलोक पर भेजा। तब गोवर्धन पर्वत ने शाल्मी द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। गोवर्धन पर्वत बहुत ही सुंदर और आकर्षित था। एक दिन मुनि पुलस्त्य तीर्थ यात्रा के लिए भूलोक पर भ्रमण करने लगे। उन मुनि ने गोवर्धन पर्वत को देखा। गोवर्धन पर्वत को देखते ही वह आकर्षित हो गए। मुनि पुलस्त्य ने द्रोणाचल से बोला कि मैं काशी का निवासी मुनि हूँ, तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो, मैं गोवर्धन पर्वत को काशी में स्थापित करूंगा। तब द्रोणाचल ने कहा कि यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन मैंने अपने पुत्र को नहीं दिया तो आप श्राप देंगे, आपके श्राप से भयभीत होकर मैं अपने पुत्र को आपको दे रहा हूँ। तब गोवर्धन ने मुनि पुलस्त्य से पूछा कि मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है, ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले जाएंगे? तो मुनि पुलस्त्य बोले, तुम्हें मेरे हाथ पर बिठा कर ले जाऊंगा और काशी में स्थापित करूंगा। तो गोवर्धन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, आप जहाँ कहीं भी मुझे एक बार भूमि पर रख देंगे तो मैं वहीं पर स्थापित रहूंगा। मुनि पुलस्त्य ने वह प्रतिज्ञा स्वीकार किया और मुनि पुलस्त्य ने गोवर्धन को अपने हाथ पर उठाया और उसे ले चले। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। ब्रज में आने पर उसने सोचा कि यही वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण जन्म लेंगे, गोप गोपियों के साथ लीलाएं करेंगे, देवी राधा के साथ रास क्रीड़ा भी करेंगे। यह यमुना और ब्रज भूमि गोलोक से यहाँ आई है, श्री राधा के साथ भगवान कृष्ण का भी शुभ आगमन होगा। मन ही मन ऐसे सोचते हुए गोवर्धन ने अपने शरीर का भाग बहुत अधिक कर दिया। उस समय मुनि उसे उठा नहीं पा रहे थे और गोवर्धन पर्वत को ब्रज मंडल में रख दिया। तब गोवर्धन पर्वत ने मुनि पुलस्त्य को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में स्मरण दिलाया। यह सुनने के बाद मुनि को बहुत क्रोध आया। वह समझ गया कि गोवर्धन पर्वत ने जानबूझकर अपना वजन बढ़ाया और गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया कि तू प्रतिदिन तिल तिल पर क्षीण होता जाएगा। यह श्राप देकर मुनि पुलस्त्य काशी चले गए। इस तरह गोवर्धन पर्वत ब्रज मंडल पर स्थापित हुए, लेकिन उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता जा रहा है। कहते हैं कि जब तक गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूलोक पर विराजमान है, तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे गोवर्धन करता रहेगा, वैसे वैसे पाप और अधर्म बढ़ता रहेगा। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और यूनिराउंडर को सब्सक्राइब कीजिए।